कोरोना महामारी के चलते सभी ओर लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में सभी व्यवहार ठप हुए हैं। साथ ही गर्मी के दिन होने से शादियों का सीजन रहता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते शादियों के अलग अलग अंदाज देखने मिल रहे हैं। ऐसा ही अलग अंदाज शुभम मोटघरे व आंचल की शादी शहर के वाठोड़ा परिसर में हुई है, जहां शादी में होने वाले खर्चे से गरीब व जरूरतमंदों को राशन का वितरण किया गया। लॉकडाउन के वजह से अब हर कामों पर निर्बंध लग गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अब शादियां भी कुछ चुनिंदा लोगों में की जा रही है। ऐसा ही शुक्रवार को शुभम और आंचल का शुभ विवाह संपन्न हुआ। शुभम द्वारा शादी के खर्चे से गरीब व जरूरतमंद लोगों को 5 अप्रैल से राशन किट का वितरण किया जा रहा है। आज जर आम्ही लग्न केले असतं तर मला व माझ्या कुटुंबाला 2 किंवा 4 दिवसाची खुशी मिळाली असती, पण आज जे भुकेल्या व्यक्तीच्या पोटामध्ये आमच्याकडनं अन्न चाललं आहे, हे खुशी माझ्या माझ्या परिवाराला खूप मोठी खुशी आहे। आणि मी सर्वांना सांगू इच्छितो की आपण लग्न समोरनं वाढवता, लग्न आपण करतो आहे तर 1 लाख रुपये आपण खर्च करतो आहे, तर लग्न आपण त्या दिवशी असं साध्या पद्धतीने केलं पाहिजे असं माझं मत आहे। आणि जो आपण लग्नामध्ये पैसा खर्च करणार आहे, आपण तो गोरगरिबांना गरजू लोकांना तो पैशाचं आपण धान्य दिलं पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे। आज नेमकं आम्ही ते जनरल वाटप केलं आहे, यामध्ये 1000-2000 लोकांना आम्ही आज असा वेळ आला आहे की म्हणजे नाश्ता वगैरे मिळत नाही लोकांना, समोसे वगैरे नाही का, त्या पद्धतीने आम्ही आज ह्या लग्नानिमित्त 1000-2000 लोकांना आम्ही आलूबोंडा समोसा भजे वगैरे असे वाटप करून राहिलो। जोपर्यंत लॉकडाऊन आहे तोपर्यंत आम्ही असंच गोरगरिबांना गरजू लोकांना मदत करू। माझे खूप स्वप्न होते लग्नाचे, पण ते पूर्ण न झाला, पण माझी मला एक खुशी आहे की माझं घरगुती लग्न झाला, मला याची खूप खुशी आहे। शुभम और आंचल द्वारा शादी के दिन करीबन 1000 से 2000 गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन दान भी किया गया और लॉकडाउन खत्म होने तक गरीब व जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया जाएगा, ऐसा शुभम द्वारा बताया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, रिपोर्ट NBCN न्यूज नागपुर।